हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसमें कह रहा है कि कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ फिनाइल एंड साइक्लोहेक्साइल केटायंस एंड एनायंस. तो फॉर दिस वी हैव फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द आई मीन फिनाइलिक कार्बोकेटायन. पहले हम केटायन की बात करते हैं, उसके बाद एनायन की. तो अगर मैं साइक्लो आई मीन फिनाइल केटायन की बात करूँ तो उसमें क्या होगा, बेंजीन पे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा. नाउ दिस इज ऑल्सो अ विनाइलिक कार्बोकेटायन, ये एक विनाइलिक कार्बोकेटायन है. तो ये क्या हो जाएगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा. और अगर मैं बात करूँ साइक्लोहेक्साइल कार्बोकेटायन की तो दिस विल बी sp3 हाइब्रिडाइज. अब ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है. तो इन दोनों में अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूँ तो दिस विल बी मोर स्टेबल. वाई? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज और भी अनस्टेबल हो जाएगा. अगर और दूसरे केस में अगर एक्साइल कार्बोकेटायन की बात करें तो यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है. तो एक तो इंडक्टिव इफेक्ट से वो स्टेबल होगा एंड सेकेंड वो sp3 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी कम होगी. तो इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल हो गया. और अगर एनायन की बात करें तो एनायन में अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ है, दिस इज़ रॉन्ग, इस यहाँ पे एक बेंजीन है ये एंड यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज. अब ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से s कैरेक्टर बढ़ जाएगा, परसेंट s कैरेक्टर बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. जबकि अगर मैं साइक्लोहेक्साइल एनायन की बात करूं तो इसके अंदर ये sp3 हाइब्रिडाइज है. sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज पर्सन एस कैरेक्टर इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं है. तो इस केस में क्या होगा, ये एनायन कम स्टेबल होगा जबकि C6H5- में वो ज़्यादा स्टेबल होगा. तो दिस इज़ हाउ वी कैन कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बो एनायन एंड कार्बोकेटायन. थैंक यू.